नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, और आज कौन कौन सी क्लास लगेगी पहले आपको बता दूं। वो दोस्त जिन्हें पीएम मोदी ने देश के लिए साइड लगा दिया, वो कौन से दोस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कैसे उन्हें साइड लगाया देश हित में, आज इसकी बात करूंगा। दोस्ती या देश, पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती का चैप्टर भी खोलने वाला हूं। इसके अलावा मोदी वर्सेस मनमोहन, विदेशी दौरे के हिसाब किताब का चैप्टर भी लेकर आया हूं। फिर वो क्रिकेट मैच जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खेलने लगे, आज उसके बारे में बताऊंगा। पीएम, राष्ट्रपति और मिस्टर बीन, पाकिस्तान की सुपर बेइज्जती का चैप्टर भी होगा आज। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिविजन, फिर पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेक न्यूज को देश के लिए खतरनाक बताया है। पीएम ने कहा कि एक फेक न्यूज पूरे देश में अराजकता फैला सकती है। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोल रहे थे वो, और वहीं पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा। कोई भी जानकारी मिलती है तुरंत फॉरवर्ड मत कर दीजिए, 100 बार सोचिए कि फॉरवर्ड करने की जरूरत है, नहीं है, सही है, नहीं है। पीएम मोदी ने फेक न्यूज रोकने के लिए तकनीक के इस्तेमाल की बात भी कही। मुंबई में आयोजित यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म मीटिंग में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के एजेंडे को बेनकाब किया। बैठक चल रही थी, उस दौरान भारत ने पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का एक ऑडियो क्लिप चलाया। ऑडियो क्लिप जिसमें साजिद मीर 26/11 मुंबई अटैक के दौरान चबाड हाउस पर हमले के निर्देश दे रहा था। इस ऑडियो में साजिद मीर गोलीबारी की बात कर रहा है, कह रहा है कि जहां मूवमेंट दिखे वहां फायरिंग करो। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 के मास्टरमाइंड अब भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। C-295 एयरक्राफ्ट पहली बार यूरोप से बाहर किसी देश में बनने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में इसको लेकर भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ डील की थी। प्रोजेक्ट के तहत 40 C-295 विमान वडोदरा में बनाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। हेट स्पीच का मामला चल रहा था, 3 साल की उनको कल ही सजा सुनाई गई थी। इसके बाद आज उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी, जो हमने कल कहा था कि हो सकता है वो हो गया। इसी के साथ चुनाव आयोग को भी रामपुर विधानसभा सीट खाली होने की जानकारी दे दी गई। करोड़ों लोगों की आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। छठ के दौरान व्रती को 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना पड़ता है। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र में छठ के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। घाटों को साफ किया गया है। दिल्ली में छठ के दौरान ड्राई डे घोषित किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज लाहौर से इस्लामाबाद तक के लिए लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। मार्च शुरू होने से पहले लाहौर में भाषण देते हुए इमरान खान ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इमरान खान ने कहा कि भारत एक आजाद विदेश नीति चलाता है। पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी भारत ने सस्ती दर पर रूस से तेल खरीदा, जिससे भारत के लोगों को राहत मिली, जबकि पाकिस्तान गुलाम है जो अपने देश की भलाई के लिए फैसले नहीं ले पा रहा। दिन भर का रिवीजन हो गया। पाठशाला में पहली क्लास, और उसमें पीएम मोदी के उन दोस्तों का चैप्टर जिन्हें देश हित में पीएम ने साइड लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर उनके विरोधी क्या कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं इनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिकली कई बार कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है, उनके विदेश दौरों का मजाक उड़ाया जाता है। सोशल मीडिया पर नहीं देखे विदेशी नेता से गले मिल लिए, इससे क्या होता है, ये तो कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते, गले मिल रहे थे, क्या मिला नहीं मिला। अच्छा, ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, वो तो विदेश में ही रहते हैं। उनका खर्चा जोड़ते हैं कि पीएम के तौर पर कितनी बार गए, कितना विमान उड़ा, नहीं उड़ा, फलाना निमकाना, 10 तरह की चीज चलती रही है पिछले 8 साल से।
अब आप सोचिए कि जिन नरेंद्र मोदी के ऊपर विदेश नीति को लेकर इतने आरोप लगते हैं कि इनको समझ ही नहीं है, विदेश नीति डुबा दी वगैरह वगैरह वगैरह, उनके बारे में दुनिया के ताकतवर नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति चलाते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते, देश हित में फैसला करते हैं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति, भारत के दोस्त, नरेंद्र मोदी के दोस्त पुतिन ने कही है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो विदेशी दोस्त हैं जिन्हें देश हित में नरेंद्र मोदी ने साइड लगा दिया सिर्फ इसलिए कि देश का फायदा देख रहे थे, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार पुतिन साहब को सुनिए, जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है, फिर रूस हो अमेरिका हो, देश हित की जब बात आई तो कैसे कैसे पीएम मोदी ने सबको साइड लगाया, उसके बारे में बताऊंगा। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of it, of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future and an increasing role in the global affairs. Putin बैठकर दुनिया के सामने कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश हित में फैसले लेते हैं और भारत जो है वो बहुत बेहतर स्थिति में। अफसोस ये है कि ये बात यहां कुछ लोगों को या तो समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते। वो भारत को श्रीलंका से कंपेयर करते हैं और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बताती है, उसकी तारीफ करती है। जिन नरेंद्र मोदी के लिए हमारे यहां कुछ लोग कहते हैं इनको कुछ विदेश नीति नहीं आती, उनके लिए दुनिया कहती है कि अपने देश हित में जो विदेश नीति चला रहे हैं वो स्वतंत्र है, बढ़िया। पाकिस्तान कह रहा भाई, अपना दुश्मन जिसको लगता है इंडिया, इमरान खान कह रहे हैं कि भारत तो स्वतंत्र विदेश नीति चलाता है, पर यहां कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। यूक्रेन युद्ध के 8 महीने में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर लगातार दबाव डाला कि भारत रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी देशों का साथ दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। वो दोस्तों अमेरिका का भी है, वो दोस्तों ब्रिटेन का भी है, वो दोस्तों रूस का भी है, लेकिन वो दोस्ती तभी तक है जब वो भारत के हितों के आड़े नहीं आते। भारत के हित के आड़े आएगी तो दो साइड देश ऊपर, और यह भी बताता हूं कैसे, उदाहरण से बताता हूं। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा, रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने से भारत ने 35,000 करोड़ रुपए बचाए। दोस्तों अमेरिका भी है लेकिन यहां भारत का हित था। दुनिया में जब यह युद्ध चल रहा है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, भारत ने रूस से 35,000 करोड़ का तेल खरीदा तो 35,000 करोड़ रुपए बचाए, इसलिए भारत में तेल की कीमत नहीं बढ़ रही, वरना आफत आ जाती। इस वक्त भारत को तेल सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा देश रूस बन गया है, जबकि 2021 में भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में रूस 10वें नंबर पर था। अमेरिका हाथ पांव मारता रह गया, इंडिया ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम खरीदेंगे तो खरीदेंगे, दोस्ती तुम्हारी अलग, देश हमारा सबसे ऊपर, और रूस से खरीद लिया तेल। सोचिए ना भाई, बता तो रहा हूं, 10वें नंबर पे हम रूस से तेल खरीदते थे, अब दूसरे नंबर का हमारा तेल देने वाला देश बन गया रूस। सितंबर में भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,79,000 बैरल तेल खरीदा है। तो एक दोस्त अमेरिका को कैसे साइड लगाया बताया। इसी तरह से अमेरिका विरोध करता रहा, पाबंदियां लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील पर टस से मस नहीं हुआ। भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा, कहा हम जो अमेरिका का नियम है उसमें बदलाव करके कहा कि इंडिया के लिए एक छूट दे रहे हैं। यह है आज इंडिया की पावर, जिस विदेश नीति को कहते हैं भारत के कुछ सो कॉल्ड बहुत बड़े ज्ञानी कि जीरो है, उस विदेश नीति का नतीजा है कि अमेरिका झुकता है इंडिया नहीं। और इनमें से 2 S-400 की सप्लाई भी हो चुकी,
तीसरे की सप्लाई नवंबर में होगी, बाकी दो S-400 2023 तक भारत को मिल भी जाएंगे। एक उदाहरण यूएन में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों में एब्स्टेन रहने का है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, यूएन में रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं करना है तय कर लिया, तो ना एक भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और लगातार वोटिंग से बाहर रहा। यही होती है स्वतंत्र विदेश नीति, किसी के एजेंडे के हिसाब से ना चलना, अपने देश हित में चलना, जो नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। क्योंकि आज इंडिया के अंदर यह कॉन्फिडेंस है कि अमेरिका अगर साथ में नहीं भी होगा तो हम अपना काम खुद चला सकते हैं, और उनको पता भी है कि कैसे नहीं होगा, हम इस वक्त दुनिया की जरूरत है, हमको छोड़ के नहीं जा सकता ना ये दोस्त। नरेंद्र मोदी की हालत, भारत की हालत इस वक्त ये है कि वो दोस्ती इस बात पर नहीं निभा रहे कि अरे तुम मेरे साथ रात में पार्टी में चलोगे तभी मेरे दोस्त, वो बोल देते हैं नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे करियर बनाना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, और उनको पता है कि चूंकि नोट्स की जरूरत दोस्त को मुझसे ही पढ़नी है तो ये मुझे छोड़ेगा भी नहीं। और यही होता है, रूस ने नहीं छोड़ा, अमेरिका ने नहीं छोड़ा। अगर भारत ने रूस का संकट में साथ दिया तो साथ ही साथ यह भी समझाया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, वहां भी इंडिया फर्स्ट, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर यह युद्ध चलता रहा तो भारत भले सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है लेकिन वो तूफान आएगा तो कुछ हमारे ऊपर भी असर तो छोड़ेगा ही, और इसलिए वहां भी दोस्ती साइड की रूस के साथ। और एक महीने पहले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कह दिया भाई कि हेलो सुनो ये युद्ध का दौर नहीं है। फिर से सुनिए पीएम मोदी ने पुतिन को क्या समझाया था, फिर आगे की बात बताता हूं। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा, आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय है जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। देख रहे हैं, मुंह पे बोला है पुतिन को कि ये लड़ने का वक्त नहीं, और उसके बावजूद पुतिन आज बैठ के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और इंडिया को आगे ले जा रहे हैं और स्वतंत्र नीति चला रहे हैं। नहीं रूस छोड़ के चल सकता इंडिया को, नहीं अमेरिका छोड़ के चल सकता इंडिया को, क्यों अभी आगे बताऊंगा। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह बात उन पुतिन के सामने नरेंद्र मोदी ने कही, जो पुतिन किसी की सुनते नहीं है। दुनिया के किसी और नेता की हिम्मत नहीं थी कि वो पुतिन के सामने ऐसा कह दे, लेकिन वो पीएम मोदी की बात चुपचाप सुनते रहे, और सुने नहीं आज आके तारीफ भी करके चले गए, मतलब यहां नहीं आए वहीं पे कार्यक्रम में। पश्चिमी देशों ने इस बयान के लिए पीएम मोदी की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पुतिन ने बुरा मान लिया। सोचिए आज वही पुतिन एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश हैं जो भारत को अपने पाले में लाने में 8 महीने से जुटे हैं। एक तो इंडिया क्या है, इंडिया ऐसी पावर बन चुका है कि सब खींच रहे हैं, ए मेरे साइड आओ, ए मेरे साइड आओ, और इंडिया अपना लगा हुआ है कि हमारा साइड जो है वो सिर्फ इंडिया है, मतलब पीएम मोदी ने तय किया है कि हम इंडिया की साइड है, इंडिया के हित की साइड है, रहेंगे सबके साइड लेकिन इंडिया का हित सर्वोपरि। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने अमेरिका पश्चिमी देशों से संबंध बिगाड़ लिए, भारत और अमेरिका के संबंध पहले जैसे ही मजबूत हैं। अगले महीने ही भारत और अमेरिका की सेना LAC के पास युद्धाभ्यास करने वाली है। 8 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच भारत 3 युद्धाभ्यास करने वाला है। सुनिए, 8 नवंबर से 18 नवंबर क्वाड देशों के साथ युद्धाभ्यास होगा, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं शामिल होंगी। फिर 15 नवंबर से 2 दिसंबर LAC के पास भारत और अमेरिका की मिलिट्री डील होगी, ड्रिल चलेगी भारत और अमेरिका की।
28 नवंबर से 11 दिसंबर भारत ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास चले, मतलब हम अपने स्टैंड पर कायम भी रहेंगे, तुमसे बातचीत भी करेंगे, तुम हमको सुनाओगे, हम अमेरिका में बैठ के तुमको सुनाएंगे। मैंने आपको भारतीय विदेश मंत्री का सुनाया ना, अमेरिका में बैठ के अमेरिका को सुनाया, यूरोपीय देशों को सुनाया कि हमको ज्ञान मत दो कि रूस से पेट्रोल मत लो, रूस से तेल मत लो, तुम रूस से क्यों गैस लेते हो जी, सुना क्या है वहां पे? हमको अमेरिका प्रेशर बनाने के लिए बोला कि तुम अपने यहां मानवाधिकार देखो, विदेश मंत्री वहीं बैठ के सुना के चले आए कि हमको मत सुनाओ, अपने यहां देखो तुम क्या करते हो। तो लेते हैं तो तुरंत दे भी देते हैं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के पीछे एक बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तित्व। डिप्लोमेसी में ग्लोबल लीडर्स का वर्चस्व भी मायने रखता है। आप अपनी बात कितनी मजबूती से रखते हैं, कैसे मनवाते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि बेहद मजबूत नेता की। पीएम मोदी खुद ये कह चुके हैं कि यह नया भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद है ना, कहा था कि पीएम मोदी के सामने अपनी बात मनवाना आसान नहीं है। ट्रंप ने बोला था कि जहां इंडिया की बात आ जाती है आप नरेंद्र मोदी से अपनी बात नहीं मनवा सकते, ये भाई नहीं हिलते। ये ट्रंप बोल चुके हैं भाई। इसी तरह ग्लोबल लीडर से मिलते वक्त पीएम मोदी जिस तरह से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, वो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। सामने वाले को भी लगता है ना कि एक कॉन्फिडेंट देश का एक कॉन्फिडेंट नेता मिल रहा है, तो वहां से एक रिलेशनशिप दूसरी बनती है। मनमोहन सिंह अच्छे नेता थे लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर हर बार सवाल खड़ा होता था कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, वो बात नहीं है। ग्लोबल मंच पर जिस तरह से पीएम मोदी अपनी बात रखते हैं उससे भी दूसरे देशों के नेताओं के को ये मैसेज जाता है कि भारत में एक मजबूत नेतृत्व है जिससे बहुत सोच समझ कर डील करना हो। आप किसी व्यक्ति से बात कीजिए वो आपको बता देगा जो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज समझता है कि जिस मजबूती से हाथ मिलते हैं, कॉन्फिडेंस, उससे आगे की चीजें तय हो जाती कई बार। इस वजह से भी ग्लोबल अफेयर्स में भारत की भूमिका बढ़ी है। दुनिया के सभी बड़े देश भी समझते हैं कि भारत के बिना काम नहीं चलेगा, जो मैं आपसे कह रहा था कि आगे बताऊंगा कि भारत के बिना काम क्यों नहीं चलेगा। इसकी वजह है, एक तो भारत दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। दुनिया में आ रही है मंदी, दुनिया को यह दिख रहा है कि भारत में अगर भारत से नुकसान कर लिया, भारत से चीजें बिगाड़ ली, रिश्ता बिगाड़ लिया, उनके यहां की चीजें बनेंगी, बेचोगे कहां भाई, मार्केट तो यही है। तुम्हारे यहां तो वैसे ही लोगों की नौकरी जाएगी, तुम्हारे यहां तो वैसे ही मंदी रहेगी, खरीदेगा कौन? खरीदेगा वो इंडिया जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। तो भारत के मार्केट की दुनिया को जरूरत है और दुनिया बड़ी निर्मोही है। बॉस सीधा सा हिसाब है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज भारत चढ़ रहा है, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चढ़ रहा है उसको लोग सलाम कर रहे हैं, और भारत चढ़ रहा है यह बताया जताया और दिखाया गया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। IMF ने भारत को दुनिया का ब्राइट स्पॉट बताया है, जबकि रूस और अमेरिका की हालत क्या है? अमेरिका में 6 से 9 महीने में मंदी आ जाएगी, युद्ध की वजह से रूस की आर्थिक हालत खराब चल रही है। तो तुम रहे होगे चीता, लेकिन आज के शेर हम हैं, और इसलिए आवाज नीचे, यह हिसाब चलता है इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन नीतियों को विपक्ष फेल बताकर खारिज कर देता है, ग्लोबल लीडर्स उन्हीं नीतियों के कायल। रूस के राष्ट्रपति कैसे मोदी के मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, जरा एक बार उसको भी सुनिए, फिर आगे की बात। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters. Both in economic wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. This is a very important foundation that India is building on. We have a special relationship with India. It has been underpinned by a very close ally relationship over many decades. We've never had any difficult issues. We've
always supported each other. पुतिन बैठकर मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, हमारे यहां के लोग उसमें भी नुक्स निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, ट्विटर पर है, जाके देख लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत की ताकत क्या है, इसे इस बात से समझिए कि दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट से दूरी बनाने से ही चीन की कंपनियों का लाइटिंग का 75,000 करोड़ का बिजनेस चला गया। सिर्फ इस बात से कि हमने अपना सामान खरीद लिया, चीन को 75,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि क्यों इंडिया कितना भी रगड़ दे, लोग दोस्ती नहीं तोड़ते, क्योंकि इंडिया की ही जरूरत सबको है। पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस C-295 का प्रोडक्शन यूरोप से बाहर कहीं अगर होने वाला है तो वो भारत में होगा। वडोदरा में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर निर्माण में नंबर वन कंपनी ताइवान की फॉक्सकॉन, वो गुजरात के धोलेरा में प्लांट लगाने जा रही है। तो ये है भारत जिसकी जरूरत है दुनिया को। भारत को भी दुनिया की जरूरत है, ये इंटरकनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड है। लेकिन आज हमारी जरूरत दुनिया को ज्यादा है, हमें दुनिया की जरूरत पहले के मुकाबले कम है। और ये मेक इन इंडिया की वजह से हुआ, उस मेक इन इंडिया की वजह से जिसका हमारे यहां के नेताओं ने मजाक बनाया। भारत की विदेश नीति से सीधे देश के आम लोगों को कैसे फायदा हो रहा है, उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में खाद के दाम बहुत बढ़ गए, फर्टिलाइजर, खाद, क्योंकि रूस खाद का एक बड़ा निर्यातक देश है। ग्लोबल सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी खाद की सप्लाई को लेकर 13% की है। मतलब जो ग्लोबल सप्लाई होता है खाद का, उसका 13% रशिया करता है। मार्च में रूस ने खाद के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, दाम और बढ़ गए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर रूस ने भारत को खाद की सप्लाई की। नतीजा यह हुआ कि इस साल के वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में भारत ने रूस से, आपको पता है कितना खाद लिया है, आप देखिए इस आंकड़े को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा खाद, और यह कितना दिया रूस ने तब जब युद्ध चल रहा था, सप्लाई चेन जो है वो थम सी गई थी, 11 लाख मीट्रिक टन खाद दिया भारत को, 11 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल की कुल सप्लाई का 70% अकेले कहां से आया, उस रूस से आया जिसको लोग कह रहे थे कि तुम छोड़ दो छोड़ दो, उस रूस ने मदद की। यानी भारत ने हालात को देखते हुए खाद के दाम बढ़ने से पहले ही रूस से शुरुआती 3 महीनों में इतना खाद खरीद लिया जितना पिछले साल के मुकाबले 70% जरूरत। इतना ही नहीं, सस्ती खाद सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री मनसुख मांडविया मई में जॉर्डन चले गए, मई में ही चले गए। लोग सोच रहे थे युद्ध बढ़ेगा, रुकेगा, तब हम कर लेंगे, उसी वक्त भेज दिया जॉर्डन जाओ। क्यों भेजा? खाद की सप्लाई की डील करने के लिए। सप्लाई को सुनिश्चित करके भारत ने अपने किसानों के लिए सस्ते दर पर खाद मुहैया करवाई। ग्लोबल मार्केट में, जो ग्लोबल मार्केट है वहां पे क्या रेट चल रहा है खाद का, 75 से 80 रुपया चल रहा है पर केजी, ये रुपीज में बता रहा हूं, यूरिया खरीदा जा रहा है। अपने किसानों को 5 से 6 रुपए पर केजी मिल रहा है यूरिया, और इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए खाद सब्सिडी पर सरकार खर्च करेगी। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसानों को खाद सब्सिडी देने के नाम पर सरकार खर्च करेगी, क्योंकि इस वक्त संकट है खाद का। मैं जो आपको यह विदेश नीति बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप यह समझें कि कितनी कमाल की विदेश नीति नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। इसका मकसद यह है कि आप यह समझें कि इस देश में कुछ एजेंडाधारी, उनकी समर्थक मीडिया, उनके लोग किस तरह से देश को ट्रैक से उतारने के लिए आपके दिमाग को हैक करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा तो कब जाल में फंस जाइएगा मछली की तरह, और देश फड़फड़ाएगा, आप नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये खाद वाले एंगल से समझिए, याद कीजिए कि किसान आंदोलन के दौरान भारत में एक वर्ग ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किसान विरोधी बनाने पर पूरा जोर लगाया, आरोप लगाया कि वो चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
जबकि युद्ध में फंसी दुनिया के बीच भी नरेंद्र मोदी देश के हित में फैसले ले रहे हैं, किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। और ये बात खुद रूस के राष्ट्रपति ने बताई कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की और उनसे वो फैसला लेने को कहा जो भारत के किसानों के लिए बहुत जरूरी है। खुद पुतिन की जुबानी सुनिए, पीएम मोदी ने भारत के किसानों के लिए क्या कहा था। In the future as well. Right now, economic cooperation is increasing. Prime Minister Modi has asked me to, just to give you an example, we have increased trade volumes. As an example, Prime Minister Modi has asked me to increase supply of fertilizers, and that is very important for Indian agriculture. And we've done that. Do you know how much we've increased the volume? 7.6 times. That's the increase. Trade in agriculture has almost doubled. मतलब जब लोग सोच भी नहीं रहे थे कि किसानों पर क्या संकट आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करके वो संकट देख चुके थे और उसको कैसे निपटाना है किसानों के लिए वो बात कर चुके थे। ये आज इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे किसान विरोधी सूट बूट वालों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून वापस कराए गए। क्या आरोप लगाकर यह आदमी किसानों के खिलाफ है, देश के खिलाफ सोच रहा है, बिजनेसमैन का फायदा सोच रहा है, भर दिया यहां और कुछ किसानों के नाम से करा लिया। आज ये देखिए, आंखें खोलिए और सोचिए किसका एजेंडा चला, किसका फायदा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे विदेश नीति में सेट पैटर्न को तोड़ा, किसी पुराने फ्रेमवर्क में नहीं फंसे। यहां भी जहां देश हित ऊपर था वहां दोस्तों को साइड किया, उसका उदाहरण बताता हूं। इसका एक बड़ा उदाहरण इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है। भाई पहले क्या होता था, फिलिस्तीन पर तय विदेश नीति की वजह से भारत का कोई प्रधानमंत्री इसराइल जाता ही नहीं था कि यहां हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इसराइल गए, कोई उसके पहले गया ही नहीं, जबकि इसराइल इतना अच्छा दोस्त हमारा, हर वक्त मदद करने वाला। सिर्फ फिलिस्तीन में जाएंगे, फिलिस्तीन की बजाय इसराइल चले जाएंगे और यहां वोट बैंक नाराज हो जाएगा, लोगों ने इसराइल को छुआ नहीं। पीएम गए नरेंद्र मोदी पहली बार और इसराइल से भारत के रिश्ते और मजबूत किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में फिलिस्तीन भी गए, यह नहीं कि तुमसे दोस्ती की तो इधर तोड़ लिया। फिलिस्तीन भी जाने वाले पहले पीएम थे। जब वो इसराइल के दौरे पर गए थे तो फिलिस्तीन नहीं गए, और जब फिलिस्तीन के दौरे पर गए तो इसराइल नहीं गए। यानी इसराइल और फिलिस्तीन को एक ही चश्मे से देखने की नीति पीएम ने बदल ली। पीएम मोदी ने जहां इसराइल के साथ संबंध मजबूत किए, वहीं पर फिलिस्तीन को लेकर भी यह साफ किया कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तुमसे दोस्ती कर ली तो भारत का स्टैंड नहीं चेंज कर लिया इसराइल, ये समझ लो। इसराइल से मजबूत रिश्तों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन का लगातार साथ दिया और इसराइल ने छोड़ा नहीं कि नहीं तुम कैसे फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जाओ दोस्ती तोड़। नहीं, ये वो विदेश नीति है जो कोई अचीव नहीं कर पा रहा है कि दोस्ती भी करो और देश हित भी आगे रख लो, वो नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। और इनके लिए कहा गया है इनको विदेश नीति आती है। अब आपको मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के विदेश दौरे की भी तुलना करके बताता हूं, क्योंकि इस देश में सब कुछ कुछ ही को आता है, ऐसा माहौल बनाया गया। विडंबना थी कि देश के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के खर्चे जोड़े जाएं, लेकिन जो देश ने अचीव किया है वो बताने के बाद मैं जरा खर्चे भी बताता हूं। मनमोहन वर्सेस मोदी, दोनों प्रधानमंत्री के बारे में आपको बता रहा हूं। यूपीए वन 35 ट्रिप बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किए, 45 देश गए, 147 दिन विदेशी धरती पर रहे। यानी मनमोहन सिंह का स्ट्राइक रेट कितना का था, 3.26 दिन एक देश में वो बिताते थे, करीब 3 दिन। ठीक है, पीएम मोदी के विदेशी दौरे के बारे में आपको बताऊं, एनडीए वन 2014 से 2019 उन्होंने 49 ट्रिप किए। आप कहेंगे बॉस अरे ये तो 35 ही गए थे, वो 49 ट्रिप, अभी रुकिए बॉस। इस 49 ट्रिप में
93 देश कवर किए उन्होंने, वो 35 में 45 देश जा पाए, ये 49 ट्रिप में 93 देश कवर किए, 186 दिन विदेशी धरती पर रहे, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट क्या है, मात्र 2 दिन एक धरती पर, एक विदेशी धरती पर, और यहां 3 दिन एक विदेशी धरती पर। नरेंद्र मोदी कम समय में ज्यादा दौरे कर रहे थे ताकि ज्यादा देशों के बीच जाकर यह महसूस करा पाए कि भारत आप तक पहुंच रहा है, अपनी बातें अपनी चीजें पहुंचा पाए। वो नहीं दिखा लोगों को, खर्चा जुड़ाते हैं। यूपीए 2 में मनमोहन सिंह का स्ट्राइक रेट 3.09 का था और नरेंद्र मोदी का अब तक का जो है 18 ट्रिप 25 देश 58 दिन 2.3 दिन। कुल मिलाकर इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा से ज्यादा देशों से भारत के संबंध मजबूत करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने कम वक्त में ज्यादा देशों का दौरा किया, देश का पैसा और वक्त दोनों बचाया, साथ ही फॉरेन डिप्लोमेसी को ग्लोबल आउटरीच दिया, यानी पीएम मोदी उन देशों तक भी गए जहां पहले भारत के नेता जाने से हिचकते थे या उन देशों से ट्रेड एक्सपैंड करने की नहीं सोचते थे। अब आपको यह भी बता देता हूं कि ज्यादा देशों का दौरा करके भी पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के मुकाबले कितने पैसे बचाए। यूपीए 2 के दौरान अगर आप देखेंगे, मनमोहन वर्सेस मोदी, और इसमें जरा दोनों के खर्चे देख लीजिए। यूपीए 2 में जो विदेशी दौरों का खर्च बैठा, 52 देश 1345 करोड़ रुपए, 52 देश गए 1345 करोड़ का खर्च आया मनमोहन सिंह का, यानी प्रति देश के दौरे का एवरेज खर्च निकालिएगा, एवरेज निकालिएगा तो 25 करोड़ 86 लाख रुपए का खर्च बैठा, एवरेज निकाल रहा हूं। एनडीए 1 में नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों का खर्च देखिएगा, 93 देश का दौरा किया और खर्च किया 2020 करोड़ रुपए। तो ये देखने में आपको लगेगा कि इन्होंने 1345 करोड़ खर्च किए, वो तो 2020 करोड़ खर्च है, देश भी तो गिनिए बॉस कितने देश गए हैं। तो एवरेज जब आप निकालिएगा कि एक देश में उन्होंने कितना खर्च किया, तो 21 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए। कहां कम दौरा, कम देश कवर किया और 25 करोड़ 86 लाख रुपए प्रति देश पे खर्च किए एवरेज में, और यहां 21 करोड़ रुपए खर्च करके 93 देश कवर कर लिया प्रति देश के औसत के साथ। यानी हर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ 14 लाख रुपए बचाए। तो अगर 93 देश में इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 385 करोड़ रुपए बचा लिए मनमोहन सिंह के मुकाबले। तो जो लोग आपको सुनाते हैं इतना खर्चा, एक तो बड़ी लानत की बात है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं देश के रिश्ते सुधारने बेहतर बनाने के लिए जा रहा है तो खर्चा जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई सुनाए तो बताइएगा यह आंकड़ा कि 385 करोड़ रुपए बचाए और उस दौरान जो करके आए उसका आज रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जो कर रहा है, भारत स्टैंड ले रहा है, उसका नतीजा दिख रहा है। पाठशाला में अब उस क्रिकेट मैच का चैप्टर जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी खेलने के लिए आ गए। आजकल क्या है, पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, मतलब हमारे यहां विपक्ष के तो चल ही रहे हैं, वहां पाकिस्तान के भी चल रहे हैं, उनकी क्रिकेट में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, देश में तो नहीं होता है। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में भारत ने उन्हें पीट दिया, लेकिन कल का दिन तो पाकिस्तान के लिए कयामत लेकर आया, उन्हें जिम्बाब्वे की टीम ने रगड़ दिया, हरा दिया, जिसे वो दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम मानते थे, चौड़े होकर गए थे कि ये इससे तो जीती जाएंगे, हार गए। लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर हारने और बेइज्जत होने की नहीं, हारने के बाद पाकिस्तान को खुद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने ट्रोल कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वॉट अ विन फॉर जिम्बाब्वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द शेवरॉन्स, नेक्स्ट टाइम सेंड द रियल मिस्टर बीन। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जीत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगली बार असली मिस्टर बीन को भेजना। अब ये मिस्टर बीन का क्या चक्कर है, मामला क्या है, क्यों जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को लेकर इसका जिक्र किया, ये अभी आपको आगे बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के ट्वीट पर पाकिस्तान की इतनी हंसी उड़ाई गई कि जवाब देने किसको आना पड़ा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा।
पाकिस्तान के पीएम ने लिखा, शहबाज शरीफ ने, कि वी मे नॉट हैव द रियल मिस्टर बीन बट वी हैव रियल क्रिकेटिंग स्पिरिट एंड वी पाकिस्तानीज हैव अ फनी हैबिट ऑफ बाउंसिंग बैक मिस्टर प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर टीम प्ले योर टीम रियली प्लेड वेल। यानी जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ रहा है, इतनी बेइज्जती हो गई कि इनको लगा मुझे खुद पिच पे उतरना पड़ेगा। दोनों अपनी अपनी पिच पे खेलने लगे। जिम्बाब्वे के लोग पाकिस्तान से मिस्टर बीन की बात क्यों कर रहे हैं, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह लोगों को तब समझ में आया जब जिम्बाब्वे के मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच के लिए प्रैक्टिस की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की। इसी ट्वीट में कथित तौर पर जिम्बाब्वे के एक ट्विटर यूजर ने रिप्लाई किया और लिखा कि एज जिम्बाब्वेंस वी वोंट फॉरगिव यू। इसका जरा ट्वीट यहां डालिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। और मिस्टर बीन का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी वो बताता हूं, पहले एक बार ट्वीट दिखा दो फिर किस्से पे आता हूं। तो यहां ट्वीट डालिए, वो ट्वीट उसने डाला, ये प्रैक्टिस का डाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज, पूरा दौड़ रहे, बॉलिंग वॉलिंग हो रही है। तो इसको जो है ये भाई ने जो है वो अपने ट्वीट कर दिया और इसका नाम है क्या नाम, एक तो नाम ये लोग कहीं भी कुछ भी लेटर लगा देते हैं। इसका नाम है NGUGI, इसको आप गुगी पढ़ें, नगुगी पढ़ें, और आगे चसूरा है, इसने पाकिस्तान का धतूरा बना दिया। एज जिम्बाब्वेंस वी वोंट फॉरगिव यू, यू वंस गेव अस दैट फ्रॉड पार्क बीन इंस्टेड ऑफ मिस्टर बीन रोवन, वी विल सेटल द मैटर टुमारो, जस्ट प्रे द रेन्स विल सेव यू, जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान। इसने पहले ही कह दिया था कि भगवान से कहो कि बारिश हो जाए, नहीं तो हम कल तुमको हराएंगे, तुमने हमको झूठा मिस्टर बीन दिया था ना, अब हम तुमको कल हराएंगे, और हार भी गए पाकिस्तान वाले। इसके बाद जब पाकिस्तान कल मैच में जिम्बाब्वे से हार गया तो मिस्टर बीन के चक्कर में पाकिस्तान की और फजीहत होती है। अब आपको बताता हूं ये मिस्टर बीन आए कहां से क्रिकेट मैच में। थोड़ा सा पहले मिस्टर बीन के बारे में जानिए, वैसे तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा जिनको नहीं पता। असल में मिस्टर बीन एक ब्रिटिश कॉमेडी शो है जो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। इसमें मिस्टर बीन नाम का कैरेक्टर है जिसको भाई को आप देख रहे हैं, जो अजीब अजीब हरकतें करता है। मिस्टर बीन का ये रोल ब्रिटिश एक्टर रोवन एटकिंसन ने निभाया है, जो दुनिया में मिस्टर बीन के नाम से बहुत मशहूर है। रोवन के मिस्टर बीन कैरेक्टर की नकल पाकिस्तान में एक कॉमेडियन भी करते हैं और उनका नाम है आसिफ मोहम्मद। देख रहे हैं दोनों का चेहरा भी बहुत मिलता है, जो पाकिस्तान में मिस्टर बीन के नाम से भी मशहूर है। ये असली मिस्टर बीन की तरह एक्टिंग भी करते हैं, उन्हीं की तरह दिखते भी हैं। दोनों का चेहरा आपको लगाया, आपको एक साथ देखने में पहचान भी नहीं आएगा। तो ये मिस्टर बीन जो नकली वाला है उसकी कहानी क्या है, अब वो सुनिए। दोनों को देख लिया, आप सुनिए। हुआ क्या था कि 2016 में जिम्बाब्वे के हरारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कॉमेडी शो का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों से ये कहा गया कि मिस्टर बीन आने वाला है, मिस्टर बीन आने वाला है। अच्छा, मिस्टर बीन की जगह पर पाकिस्तान के नकली मिस्टर बीन को बुला लिया गया, जिसकी अभी फोटो दिखाई। हरारे में पाकिस्तान के इस नकली मिस्टर बीन को असली मानकर ग्रैंड वेलकम भी दिया गया। अब आप देखिए ये तस्वीर है, जिम्बाब्वे के लोग सोच रहे हैं असली मिस्टर बीन है भाई, तो इसको सिक्योरिटी मिली हुई है, लोग हाथ मिला रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि अरे असली मिस्टर बीन को देख लिया। पुलिस सुरक्षा के बीच कार में यह मिस्टर बीन उस सेंटर तक गया जहां उसे शो करना था। इस दौरान सड़कों पर भीड़ लग गई, लोग फोटो वोटो खींचने लगे, खूब फोटो खिंचाई लोगों ने असली मिस्टर बीन समझ के। $10 के टिकट खरीद कर लोग इस शो को देखने गए थे। अच्छा, जिम्बाब्वे के लिए $10 बड़ी बात है, लोग फोटो खिंचा रहे थे कि $10 देखे कि देखो मिस्टर बीन के साथ। अच्छा, ये मिस्टर बीन थोड़ा मोटा दिख रहा है, अब पाकिस्तान में बिरयानी खाता होगा तो मोटा हो गया, वो वाला तो मिस्टर बीन पतला दुबला रहता है। अच्छा, जवानी में मिस्टर बीन ऐसा दिखता था, जिम्बाब्वे के लोगों ने भी दिमाग नहीं लगाया, $10 दे के ये खिंचा रहे हैं, इससे पूछ रहे कि तुम भाई मोटे हो गए, बूढ़े नहीं हुए हो कैसे। लेकिन लोगों को बाद में पता चला ये तो धोखा हो गया, उनको तो पहले ही समझना चाहिए था पाकिस्तान से कोई आया है तो धोखेबाज ही होगा, लेकिन धोखा हो गया क्योंकि असली मिस्टर बीन तो था नहीं, ये तो डुप्लीकेट मिस्टर बीन था। इसलिए जब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का मैच होने वाला था तो उनको बहुत दर्द था, जिम्बाब्वे वालों को, कि अच्छा ये तो मूर्ख बना है, नकली वाला सटा दिए। तो वही ट्विटर यूजर लिख दिया कि नकली मिस्टर बीन भेजे थे ना, अब मैच में तुमसे बदला ले, $10 तो ये वापस ले नहीं पाए। जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके लिख दिया कि अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना। तो पाकिस्तान की बीन बजा दी मिस्टर बीन के नाम पर।
जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की हार के बाद एक मीम भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज एंकर मैच का स्कोर कार्ड देखकर जोर से हंस रहा है। इसे यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि देखिए जिम्बाब्वे के न्यूज चैनल किस तरह से पाकिस्तान की मौज ले रहे हैं। एक बार वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में और बताऊंगा। नाउ स्पोर्ट्स Now, sports. भाई इतना जबरदस्त हंसा है कि मजा आ गया लोगों। पाकिस्तान वालों के तो कलेजे में आग लग गई इसकी हंसी सुनकर। लेकिन ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है इसकी हंसी, और नीचे स्कोर भी लोगों ने लगा दिया। हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि एंकर जिम्बाब्वे का नहीं है, ना ही ये वीडियो कल के मैच के बाद का है। ये 2020 का वीडियो है जो एंकर इसमें दिख रहे हैं। उनका नाम एक्रोबेटो है और ये घाना के प्रसिद्ध कॉमेडियन एक्टर हैं। ये अलग अंदाज में स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ने के लिए मशहूर हैं। तो 2020 का वीडियो लेकर उसमें नीचे स्कोर चिपकाकर जिम्बाब्वे के लोगों ने या दूसरे लोगों ने पाकिस्तानियों से मजे ले लिए। पाकिस्तान उस टीम से हारा जिस जिम्बाब्वे की टीम की हालत बहुत खराब हो गई थी। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी फटे हुए जूतों के साथ खेलते थे। पाकिस्तान की तो किस्मत ही फटी है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के जूते फटे थे। आपको जिम्बाब्वे के स्ट्रगल की कहानी सुनाना चाहता हूं। साल 2021 की बात है। जिम्बाब्वे के स्टार खिलाड़ी रियान बर्ल ने ट्वीट किया और इसमें उन्होंने अपने फटे हुए जूतों की इमेज पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि क्या कोई चांस है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल सके जिससे हर सीरीज के बाद हमें अपने जूतों को चिपकाने की जरूरत न पड़े। इस ट्वीट के बाद स्पोर्ट्स शू बनाने वाली बड़ी ग्लोबल कंपनी ने जिम्बाब्वे की टीम के लिए स्पोर्ट्स शूज भेजे। 2013 से 2015 के बीच ऐसा भी समय था जब जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के पास होटल में रुकने तक के पैसे नहीं होते थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने के बाद होटल नहीं बल्कि अपने ट्रेनिंग सेंटर चले जाते थे। 2015 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ब्रैंडन टेलर ने शानदार परफॉर्म किया था, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उनको सिर्फ $250 यानी लगभग 21,000 रुपए मिले थे। आईसीसी ने जिम्बाब्वे पर 2019 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिम्बाब्वे के साथ खेलने के लिए कोई भी टीम तैयार नहीं हो रही थी। उसके बाद कोविड का दौर आया जिसके बाद कई टीमों के जिम्बाब्वे टूर रद्द हो गए। ऐसी स्थिति के बाद भी जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर पाकिस्तान की मजबूत टीम को मात दे दी। तो हंसी मजाक तो अलग है, लेकिन जिम्बाब्वे का जो स्ट्रगल है उससे बहुत कुछ सीखने लायक है। जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इसी शर्त पर सेमीफाइनल पहुंच सकता है जब वो अपने बाकी बचे 3 मैच जीत जाए। लेकिन सिर्फ उसको अपने 3 मैच नहीं जीतने, उसके सामने यह भी है कि भारत सारे मैच जीत जाए जिसकी संभावना है, जिम्बाब्वे 2 मैच हार जाए इसकी भी संभावना है, बांग्लादेश भी 1 मैच हार जाए चलो इसकी भी संभावना है, फिर यह कि साउथ अफ्रीका भी 2 मैच हार जाए। ए भाई हेलो, इतना नहीं हो पाएगा, जाओ घर जाओ, ये वाला हिसाब है। इतने के बाद हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान की किस्मत आप समझ लीजिए कि जबरदस्त इंक वाले पेन से लिखी गई है। तो पाकिस्तान तो उड़ते उड़ते अपने देश जाएंगे, लेकिन अब पाठशाला में उस उड़ने वाली चिड़िया का चैप्टर जिसे खींचकर एक पिंजड़े में लाया जा रहा है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पिंजड़े से आजाद किया जा रहा है, ट्विटर का चैप्टर जिसकी चिड़िया अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी के हाथ में आ गई। अमेरिका के बिजनेसमैन एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। पिछले 6 महीने से ट्विटर को खरीदने की डील लटकी हुई थी, लेकिन आज यह डील आखिरकार पूरी हो गई और एलन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। यह डील $44 बिलियन यानी करीब 3,63,000 करोड़ रुपए में हुई। 3,63,000 करोड़ रुपए। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने जो पहला ट्वीट किया उसमें लिखा कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी चिड़िया को आजाद करा लिया गया है। लेकिन मस्क के लिए ट्विटर की डील आसान नहीं थी।
अभी आगे बताऊंगा कि इसके क्या मायने हैं इस डील के, क्या ट्विटर पर रहने के पैसे लगेंगे, उसमें वीडियो गेम खेल पाइएगा, क्या क्या होगा अभी आगे बताऊंगा। लेकिन ये खरीदने में क्या हुआ, वो बहुत ड्रामा हुआ। पहले मस्क ने कहा कि वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, इसके लिए $44 बिलियन का ऑफर दिया। ट्विटर ने पहले तो इस ऑफर को मना कर दिया, लेकिन बाद में मस्क के ऑफर पर राजी हो गया। लेकिन फिर एलन मस्क ने कह दिया कि वो ट्विटर को नहीं खरीदेंगे, लेकिन ट्विटर ने मस्क को कोर्ट में घसीट लिया। ट्विटर इस मामले को लेकर कोर्ट चला गया कि डील से एलन मस्क पीछे नहीं हट सकते। कोर्ट ने भी 28 अक्टूबर यानी आज की डेडलाइन दी थी, और अगर मस्क आज ट्विटर नहीं खरीदते तो उन पर ट्रायल चलता। इन तमाम कानूनी चक्करों से दूर रहने के लिए मजबूरी में एलन मस्क को ट्विटर खरीदना पड़ा। हालांकि मस्क को यह डील बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि ट्विटर घाटे में चल रही है। अप्रैल से जून की तिमाही में ट्विटर को $270 मिलियन का नुकसान हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि ट्विटर का नुकसान कितना है तो आपको समझ में आएगा कि एलन मस्क को यह सौदा बहुत अच्छा नहीं पड़ा है। $270 मिलियन का नुकसान, और अगर आप इसको भारतीय रुपए में देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी रकम है ये। 2021 में अप्रैल जून तिमाही में ट्विटर को $66 मिलियन का फायदा हुआ था, तो अब वो नुकसान में चला गया। एलन मस्क ने बेमन से डील तो कर ली, लेकिन कल जब पहली बार वो कैलिफोर्निया के ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंचे तो शायद ये उनका फ्रस्ट्रेशन ही था। वो अपने हाथ में एक सिंक लेकर पहुंचे, इसका वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर लेट दैट सिंक इन। ये देखिए, ये सिंक है, मतलब कई लोग इसको बेसिन भी कह सकते हैं। तो बेसिन पकड़ के आदमी चला गया ट्विटर के ऑफिस। अब बताइए, इतना अमीर आदमी है बेसिन लेकर घूम रहा। कल की इस तस्वीर के बाद एलन मस्क आज एक्शन में दिखे। सबसे पहले उन्होंने अपना ट्विटर बायो यानी ट्विटर का परिचय चेंज किया, उसमें लिख दिया चीफ ट्विट। एलन मस्क ने अपने बायो से साफ कर दिया कि ट्विटर को वो डायरेक्टली हेड करने वाले हैं, तो ये तो साफ हो गया। इसके बाद एलन मस्क के एक्शन का दौर शुरू हुआ। उन्होंने ट्विटर के 4 बड़े अधिकारियों को निकाल दिया। ट्विटर का जो CEO है, था आप कह लीजिए, पराग अग्रवाल आउट। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल आउट। लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गाड्डे आउट। और पॉलिसी एग्जीक्यूटिव और जनरल काउंसिल सीन एडगेट को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया। ऐसी आशंका है कि 4 टॉप अधिकारियों के अलावा मस्क 75% एम्प्लॉयज को भी निकाल सकते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि एलन मस्क ने आश्वासन दिया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। जिनकी संख्या, जिनको निकाला जा सकता है या जिन पर तलवार लटक रही है, वो 5400 के 5400 एम्प्लॉयज के करीब हो सकती है। जब से एलन मस्क और ट्विटर की यह डील हुई, तब से इसके बारे में कई तरह के अनुमान और अफवाहें। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अब ट्विटर यूज करने के लिए पैसे देने होंगे। कुछ एक्सपर्ट ने यह दावा किया कि ट्विटर अब बदल जाएगा। कुछ का कहना है कि मस्क ट्विटर को पैसे बनाने की मशीन बना देंगे। लेकिन सच क्या है? क्या सच में मस्क ट्विटर को बदल देंगे? इसका जवाब एलन मस्क ने खुद दिया। एलन मस्क ने 3 पन्नों का एक बयान जारी किया, और इस बयान में सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने सारी शंकाओं के समाधान की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ट्विटर हासिल करने पर मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से अपनी बात शेयर करना चाहता था। मैंने ट्विटर क्यों खरीदा और विज्ञापन के बारे में मैं क्या सोचता हूं, इस बारे में कई अटकलें लगाई गई। इनमें से अधिकांश बातें गलत हैं, ये एलन मस्क ने खुद कहा है। आगे एलन मस्क ने लिखा कि ट्विटर को इसलिए खरीदा है ताकि हमारी आने वाली सभ्यता के पास एक कॉमन डिजिटल स्पेस हो, जहां विभिन्न विचारधारा और विश्वास के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सके। यहां अभी एक बड़ा खतरा सामने है कि सोशल मीडिया कट्टर दक्षिणपंथ और कट्टर वामपंथ के बीच में बढ़ जाएगा और हमारी सोसाइटी में और नफरत फैलाएगा। ज्यादा क्लिक की चाह में अधिकतर ट्रेडिशनल संस्थानों ने इसे हवा दी है, लेकिन ऐसा करने से संवाद का मौका कहीं खो गया। ट्विटर को सबसे सम्मानित एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं। मस्क ने उस आशंका को भी खारिज कर दिया कि वो ट्विटर को पैसे कमाने की मशीन बना देंगे। उन्होंने अपने इसी बयान में लिखा कि ट्विटर की डील पैसा कमाने के लिए नहीं की है भाई, ये सौदा मानवता के लिए किया गया है, जिससे मुझे प्यार है, मैं ये पूरी विनम्रता के साथ कर रहा हूं। हालांकि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं,
वो जितना प्यार मानवता से करते हैं उससे डबल प्यार पैसे से करते हैं। तो धीरे से मानवता सटाए हैं, कितने दिन वो मानवता रहेगी क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि एलन मस्क ट्विटर में बदलेंगे क्या? एक्सपर्ट्स का अभी अनुमान का दौर चल रहा है, वो कह रहे हैं कि ज्यादा इनोवेटिव और इंटरटेनिंग ट्विटर को बना देंगे। एलन मस्क ट्विटर को सुपर ऐप बना सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही है, यानी ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां यूजर्स कंटेंट से लेकर पेमेंट करने और शॉपिंग तक कर पाएंगे। एलन मस्क ने खुद ट्वीट कर कहा था कि वो चाहते हैं कि ट्विटर पर लोग फिल्में देखें और वीडियो गेम खेलें। तो कल को आप हो सकता है ट्विटर पर वीडियो गेम और खेलते हुए और फिल्में देखते हुए मिल जाए, एक वीडियो गेम प्लेटफॉर्म की तरह भी हो सकता है। एलन मस्क ट्विटर यूजर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी दे सकते हैं जिससे ट्विटर पैसे कमा सकता है। तो मानवता वाले भाई पैसा कमाएंगे, ये मत सोचिएगा सब फ्री में चलेगा। कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि एलन मस्क ट्विटर को बिटकॉइन का लॉन्चिंग पैड भी बना सकते हैं, इससे भी ट्विटर रेवेन्यू कमा सकता है। एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी के बड़े निवेशक हैं और उन्हें क्रिप्टो करेंसी बहुत पसंद है। ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि एलन मस्क ट्विटर की भेदभाव वाली नीति को बदल देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट वापस बहाल किया जा सकता है। ट्विटर के टॉप अधिकारियों पर आरोप लगते रहे कि वो वामपंथी विचारधारा यानी लेफ्टिस्ट विचारधारा की तरफ झुके हुए रहे, दक्षिणपंथियों के साथ भेदभाव करते हैं यानी राइट विंग के साथ भेदभाव होता है। ऐसे भेदभाव को खत्म करना मस्क के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं ये माना जा रहा है। हालांकि मस्क ने ये अपने बयान में साफ कर दिया कि ट्विटर फ्री फॉर ऑल नहीं बन सकता, जहां कुछ भी बिना किसी परिणाम के लिखा या बोला जा सकता है, यानी ट्विटर बिना भेदभाव वाले नए कड़े नियम लागू कर सकता है। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने पर आज पूरी दुनिया में लोग ये कह रहे हैं कि अगर आदमी पैसे वाला होता है तो कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन यह बात एलन मस्क पर फिट नहीं बैठती। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनके पास अथाह पैसा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने शौक को पूरा करने या पैसे की धौंस में कुछ भी खरीद लेते हैं। 3 लाख करोड़ का सामान कोई ऐसे ही खरीद लेता है। मस्क एक एक पैसे की कीमत जानते हैं, उसे कैसे कमाया जाता है, किस तरह से खर्च करना है, इस पर बहुत रिसर्च करते हैं, और जब तक पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं आ जाता तब तक उस बिजनेस में नहीं घुसते। ये जानते हुए भी कि ट्विटर घाटे में चल रही है, इसके बाद भी मस्क ने ट्विटर को खरीदा, क्योंकि एलन मस्क जानते हैं कि इस कंपनी को कैसे प्रॉफिट में लाना है। अब तक उन्होंने जितनी कंपनियों में निवेश किया है उन्हें प्रॉफिट में ला दिया है, तो भाई का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिजनेस को लेकर एलन मस्क का सिद्धांत है कि व्यापार मुनाफा कमाने या अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए करना चाहिए। जब आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और फिर आप अपने हिसाब से उसकी कीमत तय कीजिए, प्रॉफिट कमाइए। इसी सिद्धांत पर चलते हुए आज की तारीख में एलन मस्क कुल संपत्ति जो उनकी है वो 18,21,000 करोड़ रुपए की, 18 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है भाई के पास। वो दुनिया की अपने अपने सेक्टर में सबसे बेहतरीन 6 कंपनियों के मालिक हैं। बताइए, एलन मस्क कहेंगे कि मेरे पैसे के सुन के छींक दिया, नजर ना लग जाए। खैर, आपको इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स और इनकी कीमत के बारे में जानना चाहिए। पहले नंबर पर है स्पेस एक्स नाम की कंपनी जो अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट बनाती है। इससे इसके सामने नासा हाथ जोड़ लेता है। यह दुनिया के सबसे सस्ते और शक्तिशाली फाल्कन रॉकेट्स बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्पेस एक्स के रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस जमीन पर आ जाते हैं। इससे पहले यह अंतरिक्ष में नष्ट हो जाया करते थे। इस तकनीक की वजह से इसे एक रॉकेट को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सैटेलाइट भेजने का खर्चा बहुत कम हो जाता है। मतलब आप ये समझिए कि सैटेलाइट की टैक्सी है, जाता है लेके वहां छोड़ के वापस आ जाता है। ये काम कर दिया एलन मस्क ने। आज एलन मस्क के बनाए गए रॉकेट का इस्तेमाल नासा भी कर रहा है। आज की तारीख में स्पेस एक्स की नेटवर्थ 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। एलन मस्क की दूसरी कंपनी है टेस्ला, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए जानी जाती है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पार्ट्स और बैटरीज बनाती है, जिन्हें दूसरे कार कंपनियों को बेचा जाता है। इसके अलावा टेस्ला घरों में लगने वाले स्मार्ट सोलर एनर्जी सिस्टम भी बनाती है, जिसकी अमेरिका और दूसरे देशों में बहुत डिमांड है।
आज टेस्ला की मार्केट वैल्यू 8,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पूरी दुनिया में ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या है और इस परेशानी से एलन मस्क को अपने बिजनेस का आइडिया आया और द बोरिंग कंपनी शुरू कर दी। भाई ये कंपनी जमीन के नीचे अल्ट्रा अंडरग्राउंड में बड़ी बड़ी टनल बनाती है जिसके अंदर गाड़ियां चलेंगी। ये एक अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जैसे मेट्रो ट्रेन के लिए टनल बनाई जाती है उसी तरह रोड सिस्टम बनाया जा रहा है जमीन के नीचे। 47,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी हो चुकी है। इसके अलावा एलन मस्क ने एक न्यूरा लिंक नाम का स्टार्टअप भी शुरू किया है। इसमें इंसान के दिमाग को पढ़े जाने वाली तकनीक पर रिसर्च किया जा रहा है जो दिमाग पढ़ लेगी। इस तकनीक में इंसान के ब्रेन में एक सिक्के के साइज की चिप लगाई जाएगी जो ब्रेन से जुड़ी जानकारी देगी। इसको पहले सुअर और बंदर पर ट्रायल किया जा चुका है। टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिम्बोसिस बनाने की कोशिश कर रही है एलन मस्क की कंपनी। इसी तरह से अलग अलग कंपनियां हैं जिसमें उन्होंने पैसा लगाया, पैसा कमाया और दुनिया को बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। सोमवार को मुलाकात होगी रात 8:50।